9 class. Bacho, this one is last lecture of your chapter tissue. Okay, and today we are going to discuss your connective tissue. Okay, last topic of this chapter, that is connective tissue. In our previous section we have covered all type of animal tissue. Okay, the first one was your epithelial tissue, next one was your muscular tissue, then nervous tissue. Okay, now finally the last type of animal tissue is connective tissue. Okay, it is a fluid connective tissue. Basically agar hum baat kare aapka fluid connective tissue, ठीक है ना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने बहुत सारी चीजें की हैं. ओके, यू हैव डन विद योर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ओके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आपने क्या किया, आपने बड़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, देन आपने पढ़ा टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, है ना. इसके अलावा बच्चों आपने पढ़ा फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. अच्छा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपने क्या पढ़ा, आपने बोन पढ़ा, आपने कार्टिलेज पढ़ा, है ना. और अल्टीमेटली अब जो थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. अब बात आती है कि इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों कहते हैं, क्या रीजन है कि इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीटली फ्लूइडी बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है. आई बस समझ में, ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो थ्रू आउट द बॉडी अपने आप रन कर रहा है, मूविंग टाइप है, ठीक है, फ्लूइडी बिहेवियर है इसके अंदर, दैट्स व्हाई. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों आपको दो पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ, दो पढ़ने हैं आपको. बात करते हैं ब्लड की, ठीक है. ब्लड आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट इसको पढ़ने से पहले हमें हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हाउ विल यू डिफाइन ब्लड, ओके. तो देखो, आपसे अगर मैं कहूं कि आप ब्लड के बारे में क्या जानते हैं, अब यहाँ पे आप पॉसिबल नहीं है आपके व्यूज लेना ऑब्वियसली, ठीक है. तो जनरल बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि बच्चे क्या आंसर करते हैं, कि हमें पता है कि ब्लड क्या है, खून है, और कभी कभी हमने इसमें कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा है, आरबीसी एंड समथिंग अबाउट योर डब्ल्यूबीसी, ओके. लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें ब्लड में क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दैट इज रेड इन कलर इन केस ऑफ मैमल्स, ठीक है. हमारी बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर इसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है. इट हैव ब्लड प्लाज्मा अलोंग विद सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है. इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो ब्लड के लिए डेफिनेशन लिखो बच्चों, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट many substances throughout the body of organism, ठीक है, especially food, okay, proteins, food में glucose वगैरह आ गया, एक्सेट्रा proteins, ठीक है. इसके अलावा hormones, salts, etc. इट ऑल्सो कलेक्ट, ओ एक चीज रह गई आपकी, रेस्पिरेटरी गैसेस,
रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस में आएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिला के रेस्पिरेटरी गैसेस आप बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप ETC डाल सकते हो एक्सेट्रा। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड पुट देम इनटू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, दैट इज योर फिल्टरिंग सिस्टम, दैट इज योर किडनी, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी क्या कर रहा है, ये चीजों को पहुंचा भी रहा है, प्लस वहां से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट उसको कलेक्ट करके किडनी में ले जा रहा है, जहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा और आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, इट ऑल्सो कलेक्ट अनवॉन्टेड वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट from all body cells and send them to excretory system for its proper removal, okay? तो I think बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लड एक ऐसा फ्लूड है, एक ऐसा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जो बेसिकली आपकी बॉडी में, जिसे देखो, खाना आपने खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच गया, स्टमक से पहुंचा, सॉरी बच्चों कैमरा अपने आप ऑन ऑफ हो गया था, पता नहीं चला। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड, और ब्लड में हम बात कर रहे थे कि ब्लड का काम क्या है, ठीक है। तो ब्लड बेसिकली क्या है आपका, अभी हम बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका फूड पहुंचा, ठीक है, वहां से ब्लड क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब आपका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा, अब वो कहां पे पहुंचाएगा ब्लड, उसको लेकर जाएगा और रिक्वायर्ड साइट पे दे देगा। रिक्वायर्ड साइट क्या होंगी, आपके बॉडी सेल्स, है ना। देखो, खाने की जरूरत, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बना है, उसकी जरूरत आपके हर सेल को है, है ना, और उसको, उस फूड को लेने के बाद उसको ऑक्सीडाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, उसके रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सेल के पास कैसे पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे, ब्लड के थ्रू, है ना। तो ब्लड इज जस्ट अ मीडियम दैट इज ट्रांसफरिंग मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आपके स्कूल बसेस लगा लो या आप कोई भी बस सर्विस लगा लो, जो सिर्फ क्या करती है, एक पर्टिकुलर रूट पे मूव करती रहती है, ठीक है, और उसमें क्या है, पैसेंजर बैठते हैं, उतर जाते हैं, बैठते हैं, उतर जाते हैं। तो जैसे मान लो यहां से नारनौल से एक बस चली, ठीक है, कहां गई, रेवाड़ी गई, रेवाड़ी से फिर वापस हो गई, ठीक है, फिर नारनौल आ गई, नारनौल से रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल, बस उसका यही काम है, आना जाना। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान वो पैसेंजर्स को क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। आपकी बायो वाली मैडम कहां से बैठेगी, आपके नारनौल से बैठी और कुंड उतर गई, ठीक है। हो सकता है कोई पैसेंजर कहीं और से बैठा हो, कोई और जगह उतर जाए। तो क्या है, बस आपका जो ब्लड है वो जस्ट एक मीडियम है जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट लाइक व्हीकल्स, ठीक है। अब जहां जिसकी मर्जी होती है वहां से वो बैठता है, जहां जिसको उतरना होता है वो उतर जाता है। उतरने चढ़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके आपके लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आर पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब ब्लड आपका कहां आया, लंग्स में पहुंचा, तो वो पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसियस वेस्ट, वो कलेक्ट करके लाया है। अभी पहले आप लंग्स में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डाल दिया और वहां से किसको बिठा लिया, ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाएगा पूरी ब्लड सेल्स के पास, वहां जाके क्या किया,
ऑक्सीजन को तो ब्लड सेल्स को दे दिया, और वो क्या कर रही है, ब्लड सेल्स क्या कर रही है, आपका रेस्पिरेशन करके CO2 भी तो प्रोड्यूस कर रही है, तो CO2 को उठा लिया वहां से, फिर घूम के आए वापस लंग के पास, CO2 दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, सारे दिन बस यही करता रहता आपका ब्लड, है ना। ऐसे फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब किया, सभी सेल्स तक पहुंचा दिया, सभी सेल्स ने बदले में क्या किया, भाई ठीक है आए तो हमारा कचरा भी ले जाओ, ठीक है वेस्ट मटेरियल उसमें डाल दिया। अब जब वो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हो गया, वो भागा भागा किडनी के पास जाएगा, ठीक है किडनी उसमें से वेस्ट मटेरियल निकाल देगी, भाई ठीक है वेस्ट मटेरियल मैंने रख लिया, जा तू वापस मैंने तेरे को साफ कर दिया, दोबारा से अपना काम कर, वो फिर मूव करके आएगा। तो बॉडी में ब्लड जस्ट एक प्रॉपर सिस्टम से सर्कुलेट कर रहा है और चीजों को कनेक्ट भी कर रहा है, प्लस आपकी चीजों को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। आई बस समझ में, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, ओके फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूट, ठीक। अब देखो बच्चों, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में देखो, बेसिकली ब्लड के अंदर दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली आपको ब्लड के अंदर दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, द फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड देखो याद करो, मैंने आपको प्लाज्म वर्ड का मतलब बताया था, प्लाज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, लिक्विड, है ना। प्लाज्म वर्ड का लिक्विड मतलब होता है। देखो मैं बार बार एक चीज पे ध्यान दो कि आप वर्ड को ग्रिप करो, और वो वर्ड लगभग हर जगह वही मीनिंग यूज कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो प्लाज्म वर्ड का मतलब क्या है, लिक्विड, और किसका लिक्विड, ब्लड का लिक्विड, ठीक है। तो आपके ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है, ब्लड का जो ओवरऑल लिक्विड वाला पार्ट है, उसको क्या कहोगे, ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। और इसके अलावा बाकी जो उसमें उस लिक्विड में जो सॉलिड चीजें भरी पड़ी है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है, दिस इज लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड, दैट इज लगभग कितना है, 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो दीज आर सम सॉलिड कंटेंट दैट रिमेन इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और 45% होगा। अब जनरली यहाँ पे हम तीन सेल्स की बात करते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, जो मेगाकैरियोसाइट्स से बनती हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, डब्ल्यूबीसीज की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, ठीक है। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है दूसरा नाम, इनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि इन सब का रोल क्या है, हालांकि आपकी बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई बस समझ में, ब्लड आपके में जस्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत और थोड़ी बहुत डीप नॉलेज, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। आई बस समझ में, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आपको एक बार समझा देती हूँ इन दोनों का मतलब क्या होता है। मान लो ये आपकी कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वाली ट्यूब है, और इसमें ऐसे क्या है, आपका जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो लिक्विड भरा हुआ है, चलो इसको भी छोड़ लो, लिक्विड का कलर हम कर देते हैं, आपका जो लिक्विड है वो कुछ इस टाइप से है, ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये लिक्विड कंटेंट हो गया, अब इस लिक्विड के अंदर क्या है, कहीं कहीं पे ऐसे ये बहुत सारी क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब आरबीसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड हो गया, अब आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं ये तो हो गए आरबीसी, कहीं कहीं पे इसमें कहा होंगे आपके डब्ल्यूबीसी भी होंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे एक आधे इसमें डब्ल्यूबीसी भी आपको मिलेंगे ऐसे करके, ठीक। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी के साथ साथ कुछ कहीं कहीं पे आपको प्लेटलेट्स भी मिलेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये प्लेटलेट्स हो गए, ये आपकी आरबीसी हो गई, ठीक, और ये हो गए आपकी डब्ल्यूबीसी, और ये सारे के सारे किसके अंदर है, ये जिस लिक्विड में है
जिस लिक्विड के अंदर ये पड़े हुए हैं, ठीक है, उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, उस लिक्विड को हम ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। आई बात समझ में? उस लिक्विड को आप क्या कहोगे, पूरा का पूरा जो लिक्विड भरा पड़ा है उस पूरे लिक्विड को आप क्या कहोगे, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा इज लिक्विड कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट सभी का हम डिटेल लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा से स्टार्ट। देखो पहला है आपका ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में क्या है, इट इज लिविंग कंटेंट 55% होता है। अब देखो इसमें जनरली क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या होता है, वाटर होता है, तभी तो ये लिक्विड है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें पानी में घुली हुई होती है और वो कंप्लीट क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। इट इज येलोइश लिक्विड कॉन्टेंट ऑफ ब्लड विच हैव मैनी सब्सटांसेस इन डिजोल्व फॉर्म, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, डिजोल्व फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको इसके अंदर ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, आपको इसके अंदर अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, ये आपके फूड कंटेंट है। आपको इसके अंदर हॉर्मोन्स मिलेंगे, हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स हो गए। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या रहेगा, वाटर रहेगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं बच्चों सॉल्ट के आयंस को, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। कभी खून चूसा है आई मीन कभी खून को टेस्ट करके देखा है, खारा खारा सा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, ठीक। इसके अलावा अभी कहोगे मीठा क्यों नहीं होता, ग्लूकोज भी तो होता है, ग्लूकोज कंटेंट ज्यादा कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको इसका इसका टेस्ट आएगा, ठीक है ना, सॉल्टी टेस्ट आएगा थोड़ा सा। और इसके अलावा इसमें कुछ ब्लड प्रोटीन्स होंगे। आई बात समझ में? ब्लड प्रोटीन्स में बच्चों अलग अलग टाइप के ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ग्लोबुलिन जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह बना रहा है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बच्चों दैट इज नॉट इंक्लूडेड, आपके आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट आप तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, नेक्स्ट ग्लोबुलिन फॉर एंटीबॉडीज, और भी होते हैं, मैं आपको कुछ ही लिखवा रही हूं, फाइब्रिनोजन, ठीक है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट करने का मतलब ब्लड को जमा देना, हालांकि मेजर रोल यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। एक बार चेक करते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है, ठीक है, हाँ। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है आपका,
ब्लड का जम जाना, इकट्ठा हो जाना ताकि वो बह के आगे ना जाए। तो जब आपको चोट लगती है, हालांकि बॉडी में तो इसकी जरूरत नहीं है, बट जब आपको इंजरी होती है तो टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ब्लड क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड ना। अगर आपको चोट लग जाए तो आपका खून जम जाना चाहिए बाहर निकलते ही, अदरवाइज तो पूरा खून ब्लड सा आपका जो है बॉडी से बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ब्लड में अवेलेबल है। हालांकि कुछ सेल्स भी होते हैं जिनके हम आगे बात करेंगे, बट ये भी होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ब्लड प्लाज्मा का काम क्या है, ब्लड प्लाज्मा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरे में, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो चीजें इसमें है। अच्छा, इसमें आप एक्सक्रीटरी वेस्ट भी ऐड कर सकते हो, यूरिया डाल सकते हो, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है ना। तो ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट। बात करते हैं अब, ये तो बात थी ब्लड प्लाज्मा की, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के बाद देखो बच्चों बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के बाद बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले आरबीसीज की, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी आपका फर्स्ट है आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इनका, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलोगे, इरिथ्रोसाइट्स। बायो में ध्यान रखना इरिथ्रो वर्ड जो है, इरिथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट मतलब सेल्स, है ना। तो आपसे इसका दूसरा नाम कोई पूछ ले बाई चांस तो आपने क्या बताना है, इरिथ्रोसाइट्स बताना है, ठीक है। अब देखो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इनका काम क्या होता है और इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर रेड इन कलर, ओके। तो ये सब पढ़ने से पहले बात करते हैं इनके नंबर की, ठीक है। नंबर की अगर बात करो तो दे आर 4 to 5 million per mm cube ऑफ ब्लड। 1 mm cube, ये वॉल्यूम हो गया, 1 mm cube ऑफ ब्लड अगर आप लेते हो, ठीक है, mm cube मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 mm cube ब्लड में आपके 4 to 5 million आरबीसीज आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इसको मेजर करने का डाटा है। अब देखो बात करते हैं ये व्हाई दे आर रेड, आपसे कोई पूछ ले कि ये रेड कलर के क्यों होते हैं, तो इनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि हीमोग्लोबिन, अब इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने साथ गैसेस को बांध सकता है, अपने साथ गैसेस की बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। कौन सी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, आई बस समझ में। तो देखो अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा वो, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब क्या है, आप पहले लिख लो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी कर देते ना, आरबीसीज हैव रेड कलर,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन नोन एज हीमोग्लोबिन आरबीसी हैव रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन. ठीक है, फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम एचबी बोलते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? एचबी. एचबी क्या है आपका? हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी इज कैरी रेस्पिरेटरी ग्रेसेस. ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी. ठीक है, तो इट इज जस्ट ट्रांसपोर्टिंग योर रेस्पिरेटरी गैसेस. जैसे देखो, एक हीमोग्लोबिन पे ध्यान रखना, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं. एक हीमोग्लोबिन पे चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं. और जब आपका ये आपके आपके आरबीसी के अंदर है, एक आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नहीं, एक आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं. ठीक है, तो एक आरबीसी में बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं. और जब आपका ब्लड में आरबीसी पड़ा हुआ है तो आरबीसी मूव करेगा, आरबीसी के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन मूव करेगा. हीमोग्लोबिन से अटैच्ड क्या आपका? ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब इसके साथ CO2 बाइंड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना. तो इस तरीके से क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट योर बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, अभी तक हमने ब्लड के दो फंक्शन पढ़ लिए, एक तो आप ब्लड प्लाज्मा का लिख सकते हो, एक आप आरबीसी का लिख सकते हो. ठीक है, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग, मतलब कि जेंडर में क्या है, फिक्स है कितना होना चाहिए. ठीक है, जैसे देखो, मेल के अंदर जो है कितना होना चाहिए, एचबी का लेवल आपका होना चाहिए 14. ठीक है ना, और फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए, लगभग 12 to 14, सॉरी, मेल के अंदर 12 to 13, फीमेल के अंदर 12 to 14 के आसपास जो है एचबी का कंटेंट होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर ऑफ पर सीसी ऑफ ब्लड. ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बच्चों, ये मैं आपको लिखवा दूंगी. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में. राइट डाउन डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम, याद करो मैंने आपको व्हाइट प्लास्टिड्स करवाए थे, और व्हाइट प्लास्टिड्स में मैंने आपको करवाया भी था कि जो व्हाइट प्लास्टिड्स है उनको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो उसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था. शाबाश, याद करके बताओ. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है WBCs, white blood cells. ठीक है, और दूसरा नाम क्या लिखोगे इनका? ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, क्या नाम लिखोगे? ल्यूकोसाइट्स. WBCs में देखो बच्चों, आपकी जो WBCs है दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है, क्या कहलाती है? सोल्जर्स ऑफ बॉडी. क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है.
अब ये इम्यूनिटी क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल से, बट फिर भी बता देते हैं. इम्यूनिटी इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी डिजीज से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो इम्यूनिटी का मतलब ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका नंबर देखो. आप जनरली इनका नंबर कितना होता है बच्चों, नियर अबाउट 6000 टू 9000 पर एनम क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, 6000 पर एनम क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, तो आपके डब्ल्यूबीसी के आरबीसी के रेस्पेक्ट में डब्ल्यूबीसी कम होते हैं. क्लियर, ये याद रखना. अभी लास्ट में हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे. अब देखो बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, डब्ल्यूबीसी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं. डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी सो दैट अवर बॉडी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस और आवर बॉडी इज एबल टू प्रिवेंट टू इतना छोड़ दो आप ये लिखो. ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी सो दैट आवर बॉडी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस. ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना, इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी कहा जाता है. सोल्जर्स ऑफ हेंस दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये तो बात थी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक बार वो भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. बच्चों क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका. डब्ल्यूबीसी क्या है, अलग अलग टाइप की होती है जो हमें अलग अलग तरीके से क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. कैसे, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है. हमें उनका पता चलेगा तभी हम कोई फंक्शन इनके स्टडी कर पाएंगे. कॉमन सा फंक्शन मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, टाइप्स ऑफ WBCs, टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, तो देखो बेसिकली इसके आपको दो टाइप की WBCs मिलती है. ठीक है, पहली होती है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरी होती है आपकी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स. मतलब नाम नहीं बता रहा है, मैंने कहा नाम ही कहेगा कि मैं ये हूं. ग्रेन्यूल्स प्लस साइट, ऐसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, कुछ इस टाइप के सेल्स जिसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं. ठीक है ना, ये तो न्यूक्लियस हो गया बड़ा सा और इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स हैं. ठीक है, तो ये ग्रेन्यूल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का केमिकल होता है. याद करो मैंने आपको हिस्टामिन बताया था, किसमें, बेसोफिल में. मैंने आपको हिस्टामिन बताया मास्ट सेल में. याद आया कुछ थोड़ा बहुत, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपका स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने आपको ये करवाया हुआ है. ठीक है, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं. ग्रेन्यूल्स बच्चों क्या होते हैं, आप यूं समझो कुछ ऐसी बॉडीज जिसके अंदर कोई केमिकल भरा हुआ है. जब ये ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं तो केमिकल साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और जनरली साइटोप्लाज्म में नहीं, ये पूरी की पूरी सेल रप्चर होगी और ये ग्रेन्यूल्स बाहर आएंगे और ग्रेन्यूल्स के अंदर से वो केमिकल बाहर आके और केमिकल रिएक्शन शो करेगा.
ठीक है, जनरली ये किसी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप अचानक से, आपको सपोज करो किसी चीज से एलर्जी है, वो चीज जैसे ही आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगी, आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे, खुजली चलने लग जाएगी, ठीक है, इचिंग वगैरह हो जाएगी इस तरीके से। तो वो रिस्पॉन्स इन ग्रेन्यूल्स की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेन्यूलोसाइट, एक ग्रेन्यूलोसाइट क्या होती है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर क्या है, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है इनका, ये ऐसे नॉर्मल है, ये इनका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या है, ग्रेन्यूल्स है। अब ये ग्रेन्यूलोसाइट फिर तीन टाइप की होंगी, दीज आर आर फर्दर थ्री टाइप्स, ठीक है। पहला होता है आपका इओसिनोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है बेसोफिल्स, ठीक है, और थर्ड वन इज योर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो एसिडिक स्टेन को गेन करे वो इओसिनोफिल, जो बेसिक स्टेन को गेन करे बेसोफिल, और जो दोनों में से कोई भी स्टेन गेन ना करे वो न्यूट्रोफिल। अब बच्चों ये स्टेन वाला पार्ट है ना, वो जब आप स्कूल में आओगे तब आपको स्टेनिंग वगैरह करके दिखाएंगे, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा अलग अलग टाइप के स्टेन होते हैं। स्टेन आप यूं कहोगे कलर, लेकिन हर स्टेन का जो है अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप यूं लगा लो स्टेन इज जस्ट लाइक अ डाई, स्टेन जो है डाई की तरह है, क्योंकि सेल हमें जनरली माइक्रोस्कोप में देखोगे तो नहीं दिखाई देते, बट स्टेन डाल दोगे तो वो आपको कलरफुल चीज आसानी से दिखाई देगी, कलरलेस चीज ढंग से नहीं दिखेगी। तो स्टेनिंग डाई डालना उसके अंदर। तो स्टेन अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन, है ना। तो जो ग्रेन्यूलोसाइट एसिडिक स्टेन को अटेन करती है उसको क्या कहते हैं आप, एसिडोफिल्स कहेंगे, ठीक है। और जो पर्टिकुलर ग्रेन्यूलोसाइट आपकी किस टाइप का स्टेन गेन कर रही है, आपका बेसिक स्टेन गेन कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, बेसोफिल्स, ठीक है। और अल्टीमेटली ऐसी पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी जो किसी भी स्ट्रेन को गेन नहीं कर रही है उसको क्या कहा जाएगा, न्यूट्रोफिल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बच्चे आपको अच्छे से याद रखना है, दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इनके बिहेवियर की, ठीक है, जो इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, इनके बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर में बेसिकली आपका जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये फेगोसिटिक सेल्स के अंदर आता है। फेगोसिटिक सेल आप यूं कह सकते हो कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, चीजों को एंगल्फ कर रहा है, ठीक है ना, आपका चीजों को मार रहा है, ठीक। तो देखो न्यूट्रोफिल, ठीक है, फेगोसिटिक होंगे, फेगोसाइटोसिस मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूं, किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करने की एबिलिटी रखना। अब इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो भी अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो आपको ऐसे मल्टी लोब्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, आई बात समझ में, ठीक है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बच्चों, मल्टी लोब्ड होता है, ठीक। और जो इओसिनोफिल होता है इसके न्यूक्लियस की शेप भी अलग होती है, इसके न्यूक्लियस में आपको ऐसे दो लोब दिखेंगे ऐसे करके, ये एक लोब ये दूसरा लोब, ठीक है ना। तो टू लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप अलग अलग होती है, ठीक। जो बेसोफिल होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, इनकी एस शेप्ड एक लोब है और दूसरा लोब बन नहीं पाता, ठीक है ना, तो एस शेप्ड न्यूक्लियस। नंबर की अगर हम बात देखें,
मतलब ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज कितनी बताई मैंने, लगभग 5000 to 6000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड है ना। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा क्या है, जैसे बात करें हम न्यूट्रोफिल की, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो है लगभग 50 to 60% होते हैं, इओसिनोफिल आपके 2 to 10% और सबसे कम आपका होता है बेसोफिल, ठीक है ना, 0 to 2% आपकी क्या मिलेंगी, बेसोफिल्स मिलेंगी, ठीक है। सो इसके अलावा 2 to 5%, 2 भी नहीं बच्चे इसको बनी करो बल्कि 2 to 5% आपका एसिडोफिल मिलेगा। और सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में आपको डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा अबंडेंट, ठीक है ना, 55 to 60% क्या मिल रहा है, न्यूट्रोफिल। बच्चों यही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स है फेगोसिटिक रोल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स है वेस्ट शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसीज आर मैक्सिमम इन नंबर, तो मैक्सिमम में सभी डब्ल्यूबीसीज में से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है, ठीक। एक ग्रेनुलोसाइट की जहां तक बात है तो एक ग्रेनुलोसाइट बच्चों आपको दो टाइप की मिलेगी, कुछ तो होते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है, जो बेसिकली आपकी बॉडी में डिटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो भी चीज है उसको डिटेक्ट कर रहा है ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर वो सेल्फ है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करवाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चीज नॉन सेल्फ आपकी बॉडी में गई, फटाफट ये क्या करेंगे, अपना अपनी इम्यून सिस्टम को, अपने पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, और सारी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये फेगोसाइटोसिस करता है, इसका डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का पैथोजन है ना, जैसे इओसिनोफिल है पैरासिटिक इन्फेक्शन के दौरान इनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम इनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप जब डिटेल से बुक पढ़ोगे तो मे बी शायद ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले। तो लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट, जो आगे चल के ये इनएक्टिव होगा, जो आगे चल के एक्टिव होगा आपके टिश्यूज में आके, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और मैक्रोफेजेस आपके फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। फिर आपकी लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब इतना ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन के बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही है बी लिम्फोसाइट, जो बोन मैरो में तो बनती है लेकिन जो आपका थाइमस ग्लैंड जो है वहां पे जाके मैच्योर हो रही है तो टी लिम्फोसाइट। अब इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर की जहां तक बात है, जो आपका लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना, ये कितने होते हैं बच्चे, 30 to 35%, ठीक है। और मोनोसाइट अमाउंट में विद रिस्पेक्ट टू लिम्फोसाइट कम होते हैं, दैट इज योर बेसिकली कितना, 3 to 7 के आसपास, हाँ 3 to 7%, ठीक है। तो ये डाटा बच्चे आपको याद रखना है, डाटा नहीं तो कम से कम एक सीक्वेंस आप याद रखें, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा दिस वन मोनोसाइट, देन आपका एसिडोफिल्स, और अल्टीमेटली सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम पे जनरली क्वेश्चन आता है, सबसे कम बेसोफिल, ठीक है, समझ में आया। और फंक्शन में इसका लिखवा चुकी हूं, तो डब्ल्यूबीसी में एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा कि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा था, जो बहुत सारी चीजें जो उसमें घुली हुई है उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, हॉर्मोन, सब कुछ, ठीक है। आरबीसी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और रेड कलर वो भी उसकी वजह से ही है ना। और तीसरा हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, जो बेसिकली सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी का काम कर रही है, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी है ना। और अब बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, यहां पे तो हम थर्ड ही लिखेंगे क्योंकि हम फोर्थ एलिमेंट्स पे बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स। बहुत नाम सुना है आपने, है ना, प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गई, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के दौरान प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गई, तो ये प्लेटलेट्स है क्या, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ
फ्रेगमेंट्स ऑफ, इनका दूसरा नाम बच्चों थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज मेगा कैरियोसाइट्स, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इन्हीं का फंक्शन होता है, मेगा कैरियोसाइट्स आपके बोन मैरो में होते हैं, मैंने आपको बताया है बोन मैरो क्या होता है, प्रेजेंट इन बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में होती हैं। तो इन्हीं के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है बच्चों, फंक्शन, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करती है, जब आपकी बॉडी में इंजरी हुई तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा तो ये प्लेटलेट्स भी आएंगी, जैसे ही ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आती हैं, बाहर वाले एयर के एक्सपोजर में आती है, क्योंकि एयर की कंपोजिशन अलग है, ठीक है ना, आई बस समझ में। प्लस कुछ स्पेसिफिक आपके जो है फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं इंजरी होने पे, ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग के टाइम पे, ठीक है, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। तो उस एक्टिवेशन के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, फटाफट से क्या बनाती है, ऐसे करके एक नेटवर्क सा बनाएंगे, ऐसे एक नेटवर्क सा बनाएंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, और इसमें आपके जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे और फर्दर आपका ब्लड बाहर नहीं आएगा। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल आपको यहाँ चोट लगी, यहां से क्या हुआ, कुछ ऐसे आपका पार्ट कट गया, या आपकी ब्लड वेसल्स वहां से थोड़ी सी कटी, या यूं कहो आपके बॉडी में कोई इंजरी हुई, तो ऑब्वियसली ब्लड यहाँ से बाहर आएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे जाल बना लेगा जहां पे आपको इंजरी हुई है। आप भी देखते हो जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, थोड़ी सी देर बाद अपने आप ही वो ब्लड जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग, क्या बोलोगे, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्लेटलेट्स जो है इनका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने में, ताकि आपको इंजरी के टाइम पे आपके बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी एट द टाइम ऑफ इंजरी, बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ब्लड के फंक्शन क्या है, ठीक है ना, तो आप ब्लड के फंक्शन अपने आप लिखोगे, ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन लिख दो, आरबीसी का फंक्शन लिख दो, आप डब्ल्यूबीसी का लिख दो, आप प्लेटलेट्स का लिख दो। और एक फंक्शन क्या होता है, जब ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में से मूव करता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या है, इस तरीके से फ्लैट नहीं हो पाती, ये प्रेशर आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर को सहन करने में हेल्प करता है, ठीक है, इट इज जस्ट अपोजिट टू योर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ताकि आपकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, आई वो समझ में। अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मूव नहीं होती, ब्लड का प्रेशर नहीं होता, तो आपकी बॉडी ऐसे चपटी हो जाती, आपके ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत भारी एटमोस्फेयर है, लेकिन आप ऐसे आपकी बॉडी ऐसे सरफेस से कोलैप्स नहीं करती, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एक इंटरनल प्रेशर है, किसकी वजह से, ब्लड की वजह से, ठीक है। तो इट विल बी योर होमवर्क टू राइट डाउन फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क, ओके। नाउ द लास्ट थिंग इज लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो लिम्फ क्या है, आपका फिल्टर्ड ब्लड है जो टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे आप, लिम्फ कहेंगे, आई बात समझ में। तो देखो लिख लो आप लिम्फ, ठीक है, लिम्फ क्या है, इट इज फिल्टर्ड
blood which get filled in intercellular space. आपके सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना वहां पे भर जाता है, ठीक है. इट्स कंपोजिशन इज एज सेम एज ब्लड बट या एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ RBCs, platelets, and some large blood proteins. मतलब क्या है इसका? देखो बच्चों, पहले मैं आपको समझा देती हूँ. है क्या, जैसे आपकी कोई ब्लड कैपिलरी है, आपकी कोई ब्लड वेसल है, ब्लड जिस ब्लड का ट्यूब है, ठीक है, इसमें से आपका ब्लड मूव कर रहा था. ये आपकी एक ऐसे ट्यूब है जिसमें से ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है. अब आप सभी को पता है हमारी जो कैपिलरी हो तो सेल से ही बनी हुई है ना. हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी तो सेल से बनी हुई है, और जब एक सेल दूसरे सेल से अटैच होता है तो थोड़ा सा माइन्यूट सा उसमें गैप भी आ जाता है ना. तो छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे होते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देंगे हालांकि, लेकिन होते हैं. तो जब प्रेशर से ब्लड यहाँ से मूव करेगा, आपके ब्लड आपके जो ट्यूब है, ब्लड वाले ट्यूब है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, जब बहुत ही प्रेशर से वहां फ्लो करेगा तो इनमें मैंने कहा क्या होते हैं, कुछ ऐसे पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है. अभी मैंने आपको बड़े करके दिखाए हैं ये पोर, वैसे तो बहुत ही छोटे होते हैं. तो कुछ चीजें जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, जैसे कि WBCs, ठीक है, जैसे कि आपका स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है, ये छोटे छोटे साइज की चीजें यहाँ से बाहर निकल के, और क्या है आपके, जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे करके, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है. तो इट इज जस्ट फिल्टर्ड ब्लड मतलब ब्लड में से छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है, जो चीजें फिल्टर हो सकती है, वो फिल्टर होके और इंटरसेलुलर स्पेस में भर जाती है, ठीक है. अब यहाँ अबंडेंट अमाउंट में WBCs मिलता है तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. लिम्फ क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. हायर क्लास में पढ़ोगे इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि लिम्फ का कलर कैसे होगा, कलर कैसा होगा, क्या लाल होगा, लाल कैसे होगा, RBC तो इसमें से बाहर आ गई, RBC तो है ही नहीं उसमें, है ना. क्या ये क्लॉटिंग शो करेंगे, नहीं करेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट, ठीक है. तो कई बार आपने देखा हो कोई बहुत गहरी चोट लगती है तो उसके साइड में येलोइश फ्लूड भी जो है सिक्रेट होता है. वो येलोइश फ्लूड क्या है, आपका लिम्फ होता है जो कभी भी क्लॉट नहीं करेगा, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है. तो लिम्फ क्या है आपका, इट इज समवॉट येलोइश लिक्विड which never show clotting, ठीक है. रोल क्या है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी, ठीक है. अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ब्लड और लिम्फ में क्या करना है, एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस लिखने हैं. दूसरा होमवर्क आपका रहेगा फंक्शंस ऑफ ब्लड आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है. तो ये आपके कुछ होमवर्क है जो आपको करना है, और इसके अलावा मेरी तरफ से बच्चों चैप्टर कंप्लीट है. एक इंफॉर्मेशन याद रखना, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं All blood cells, जितनी भी WBCs, RBCs, platelets, सब all blood cells, ठीक है. बनती कहाँ पे है, formed in bone marrow में बनती है, ठीक है. इसके साथ साथ याद रखना जो आपका ये जाके मरती कहाँ पे है, ठीक है,
मर्दी कहाँ पे है? आपके स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो आपके पेनक्रियास के नजदीक होता है, ठीक है। आपका स्टमक और पेनक्रियास के नजदीक रहेगा, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, छोटा सा ही ऑर्गन है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जो बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का काम कर रहा है, लेकिन जनरली वो सभी सेल्स वहां पे जाके डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कितना हो गया, कौन सा हो गया, स्प्लीन। आपसे कोई पूछ ले जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन कितने दिन तक ये जिंदा रहती है, कितना होता है बच्चों, 120 डेज। बाकी सबका अलग अलग होता है, मैंने करवाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। आप जब डाउट क्लास में आओगे तो आपको नोट करवा दूंगी, आप वहां से नोट कर लेना, ठीक है, किसका कितना होता है लाइफ स्पेन वो मैं आपको करवा दूंगी। तो होमवर्क बच्चों आप कर लेना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी तरफ से आपका चैप्टर कंप्लीट है। नाउ ट्राई टू सॉल्व योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू एवरीवन।